अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अदनान और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री मैस स्पेक्ट्रम पीस इंटरप्रिटेशन। अब हमने लास्ट वीडियो में मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में पढ़ा था, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की सारी वर्किंग कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी कि किस तरह जो मैस स्पेक्ट्रम के अंदर सैंपल को रन किया जाता है और वो हमारे जो रिकॉर्डर्स तक वो जो किस तरह पीक्स बनती है। आज हम पीक्स की इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे पास पीक्स ऑब्टेंड होती है उन पीक्स को इंटरप्रेट कैसे करना होता है। तो सबसे पहले अगर बात कर रहे हैं हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है मैस स्पेक्ट्रम पीक्स। अब मैस स्पेक्ट्रम में जो पीक्स होती हैं वो किस तरह रीड करनी है, किस तरह उनको हमारे पास स्टडी करना है वो देखेंगे। सबसे पहले अगर स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? सिंपली अ स्पेक्ट्रम इज अ बैंड ऑफ अल्टरनेट कलर्स एंड पीक्स। क्या होता है? अल्टरनेट कलर्स और पीक्स का एक बैंड होता है जो एक खास या स्पेसिफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या कहलाता है? एक स्पेक्ट्रम कहलाता है। अगर मैस स्पेक्ट्रोमीटर में पीक्स की बात की जाए तो ईच पीक स्पेसिफाइज अ स्पेसिफिक आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। हर जो पीक ऑब्टेन होती है वो पीक क्या करती है? स्पेसिफाई करती है कि यहाँ पर कोई ना कोई आइसोट्रोपिक मैस मौजूद है, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास कल हमने जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ी थी उसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि हमारे पास सैंपल्स को वेपराइज किया जाता है, वेपराइज करने के बाद ग्रिड से गुजरते हैं, देन उनको हमारे पास अलाइन किया जाता है मोनोक्रोमेटर के थ्रू, देन हमारे पास आता है मैग्नेटिक सेपरेटर। ये मैग्नेटिक सेपरेटर क्या करता है? इन द फॉर्म ऑफ पीक्स जो है उनको सेपरेट आउट करता है। अब इन पीक्स की जो सेपरेशन होती है उसका कल हमने रिलेशन भी देखा था जिसमें मैंने कहा था कि मास टू चार्ज रेशियो को सेपरेट किया जाता है विच इज इक्वल टू एच स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 2e। यहां पर मैंने कल आपको एक रिलेशन भी बताया था कि जो मेरे पास मास टू चार्ज रेशियो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? आर स्क्वायर के। इसी तरह जो मास टू चार्ज रेशियो होती है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एच स्क्वायर के। मीन्स के जो रेडियस होता है वो भी मास टू चार्ज रेशियो पे डिपेंड कर रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी मास टू चार्ज रेशियो पे डिपेंड कर रही है और हम उसकी सेपरेशन भी किसकी बेस पे कर रहे हैं? मास टू चार्ज रेशियो की बेस पे ही कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे पास मास टू चार्ज की रेशियो पे जो सेपरेशन होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, या तो हमारे पास रेडियस पे डिपेंड करेगी या उसकी मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगी। अब रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड बताएगा कि जो रिकॉर्डर पे पीक्स बननी है वो पीक्स कितनी अवे जाके बनेगी। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक आइसोटोप था, कोई भी आइसोटोप है, उसकी जो पीक्स है वो 4 पीक्स ऑब्टेंड हो रही है, उन पीक्स की जो स्पेसिफिक आइसोटोप है उसकी जो स्पेसिफिक मास टू चार्ज रेशियो है वो उसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना उसकी मास टू चार्ज रेशियो ज्यादा होगी उतना उसका रेडियस ज्यादा होगा, जितनी उसकी मास टू चार्ज रेशियो कम होगी उतना उसका रेडियस क्या होगा? कम होगा। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? मास टू चार्ज रेशियो के। मैग्नेटिक फील्ड उसको उतना अवे मूव करवा देगी जितनी उसकी मास टू चार्ज रेशियो क्या होगी? ज्यादा होगी। इसी तरह हम बात करते हैं वाटर में पीक्स आती है, इन पीक्स को हम यहाँ पर इन ग्राफ्स की मदद से समझते हैं कि यहाँ पर जो पीक्स हमें ऑब्टेन हुई है वो किस तरह हुई। तो यहाँ पर बात करते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस पे एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटोप गिवन होता है और जो वाई एक्सिस है वहां पर उसकी रिलेटिव अबंडेंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए एटॉमिक मास की तो हमारे पास 32, 33, 34 और 36 एटॉमिक मैसेज है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सा आइसोटॉप है? सल्फर का आइसोटॉप है। अब सल्फर के आइसोटॉप की अगर रिलेटिव अबंडेंस और उसके एटॉमिक मास को कंपेयर किया जाए तो जो सल्फर 32 का आइसोटॉप होता है वो रिलेटिवली मोर अबंडेंट देन अदर आइसोटॉप होता है। अगर सल्फर 32 एटॉमिक मास वाले की रिलेटिव अबंडेंस देखी जाए तो हमारे पास 95.0% क्या होता है? रिलेटिवली अबंडेंट होता है देन अदर आइसोटॉप्स होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास देखा जाए तो जो सल्फर 33 आइसोटॉप है दैट इज 0.76% अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। इसी तरह मैं उसकी बात की जाए हमारे पास जो एटॉमिक मास 34 होता है दैट इज 4.22% अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट होता है। इसी तरह बात की जाए एटॉमिक मास नंबर 36 दैट इज 0.014% अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट होता है। यहां पर अगर इन एलिमेंट्स की रिलेटिव अबंडेंस को देखा जाए तो हमारे पास ये पीक्स जो होती हैं वो रिकॉर्डर पे आती हैं। अब ये पीक्स यहाँ पर जब रिकॉर्डर्स पे आती हैं, रिकॉर्डर्स को कंप्यूटर में ग्राफ की फॉर्म में रिकॉर्ड करता है तो हमें वो क्या देता है? रिलेटिव अबंडेंस देता है। उस रिलेटिव अबंडेंस से हम उसको डिटेक्ट करते हैं कि ये सल्फर का कौन सा आइसोटोप होता है। अगर 95% अबंडेंट है तो कंफर्म है यहाँ पर आइसोटोप कौन सा होगा? सल्फर 32 होगा। अगर 0.76% अबंडेंट है तो ये कंफर्मेशन देता है कि यहाँ पर जो आइसोटोप है वो सल्फर 33 है। इसी तरह 4.22% रिलेटिवली अबंडेंट आइसोटोप होता है वो क्या है? सल्फर 34। इसी तरह अगर बात की जाए 0.014% अबंडेंट है तो दैट इज सल्फर 36 होता है। इसी तरह एक और पीक्स देखते हैं, यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया होगा कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट और किसके आइसोटोप्स होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक तो स्पेसिफिक नंबर्स पे पीक्स ऑब्टेंड हो रही है, लेट्स सपोज 20, 21, 22। सबसे पहले हमारा जो आइडिया जाता है कि यहाँ पर जो आइसोटोप्स हो सकता है वो ऐसा हो सकता है जिसका एटॉमिक मास 21, 22, 20 है। तो वो कौन सा ऐसा हमारे पास एलिमेंट है? तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? नियॉन। नियॉन क्या हो सकता है? यहाँ पर पॉसिबली आइसोटॉप हो सकते हैं जिसके 3 आइसोटॉप्स भी है और उसका एटॉमिक मास किसके दरमियान में? 20, 21, 22 के दरमियान में।
तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो नियॉन आइसोटोप्स होता है 21, उसकी जो अबंडेंस होती है वो 90.92% होती है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या आया कि वो पीक नंबर वन जो कि 20 पे आ गया वो 90.92% अबंडेंट है या नहीं है। अगर वो 90.92% अबंडेंट है तो वो क्या है हमारे पास नियॉन 20 आइसोटोप्स होता है। इसी तरह अगर बात करें नियॉन 21 0.25% अबंडेंट होता है। इसी तरह अगर बात करें नियॉन 22 की अबंडेंस 8.32% होती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पीक्स आएंगी वो हमें बताएंगी अबंडेंस कितनी है और उसका एटॉमिक मास कितना है। उसकी बेस पे हम क्या करते हैं एलिमेंट्स के आइसोटोप्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखा जाए तो नेक्स्ट जो हमारे पास ग्राफ गिवन है वो दो आइसोटोप्स होते हैं, उनका एटॉमिक मास के गिवन है 35 to 37 है। रिलेटिवली अबंडेंस देखें तो हमारे पास एक आइसोटोप 75.53% अबंडेंट होता है, दूसरा आइसोटोप 24.47% अबंडेंट होता है। यहाँ पर देखा जाए तो 35 to 37 एटॉमिक मास वेरी करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो क्या आ रहा है 35 to 37, या तो सल्फर आ सकता है या क्लोरीन है। अब बात की जाए सल्फर या क्लोरीन में से दोनों के दो आइसोटोप्स किसके हैं, तो क्लोरीन के डेफिनेटली, सल्फर के तो चार आइसोटोप्स हमें पड़े 32 से स्टार्ट होकर 36 तक जाते हैं। 35 to 37 हमारे पास जो दो आइसोटोप्स होते हैं वो किसके हैं, क्लोरीन के। अब अगर 35 की रिलेटिवली अबंडेंस देखी जाए कितना रिलेटिव अबंडेंस होता है तो 75.53% अबंडेंट होता है। इसी तरह 37 की देखी जाए तो 24.47% क्या होता है अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट होता है। अब बात करते हैं हमारे पास तो जो लास्ट ग्राफ है गिवन है न्यूज़ कार्बन के बारे में। अब देखते हैं हमारे पास 12, 13 और 14 के एटॉमिक मैसेज गिवन है। रिलेटिव अबंडेंस देखी जाए तो 98.893% हमारे पास कार्बन 12 आइसोटोप्स अबंडेंट होता है। इसी तरह 1.107% कार्बन 13 आइसोटोप्स के वो अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट होता है। लेकिन लास्ट एक्टिव जो हमारे पास कार्बन 14 होता है उसकी अबंडेंस नहीं गिवन। द रीजन इज दैट कि जो आइसोटोप है वो क्या है रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं इंटीग्रेट हो रहे हैं। जो उसकी डिसइंटीग्रेशन होती है डिसइंटीग्रेट हो गए किसी और सब आइसोटोप्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से उनकी रेलेटिव अबंडेंस डिटरमाइन नहीं की जाती जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। तो कार्बन 12 की 98.893% अबंडेंस पाई जाती है। इसी तरह कार्बन 13 1.107% रिलेटिवली अबंडेंट पाया जाता है इन द अर्थ क्रस्ट होता है। यहाँ से जो पीक्स ऑब्टेंड होती हैं उन पीक्स से हम क्या करते हैं किसी भी आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास डिटरमाइन करते हैं। अब एवरेज एटॉमिक मास डिटरमाइन करने के लिए क्या होता है उस आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस उसके एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करते हैं। अब रिलेटिव अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास फार्मूला में लिखता हूं हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय किसी भी सब्सटेंस का क्या आएगा एटॉमिक मास आएगा जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं इनटू प्लस हमारे पास क्या होगा दूसरा आइसोटोप कोई भी दूसरा आइसोटोप लेट्स सपोज क्लोरीन की बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द अदर आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ जाएगा एटॉमिक मास ऑफ दैट आइसोटोप डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे तो वो हमारे पास क्या देगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट आइसोटोप देगा। तो बात करते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल भी देख लेते हैं क्लोरीन की बात कर लेते हैं। अब क्लोरीन के हमारे पास कितनी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप होती है 75.53% रिलेटिवली अबंडेंट होता है जिसका एटॉमिक मास कितना होता है हमारे पास 35 होता है। इसी तरह अगर बात करते हैं हमारे पास दूसरा आइसोटोप क्या है 24.47% अबंडेंट होता है और उसकी हमारे पास एटॉमिक मास कितना है 37। अब डिवाइड बाय क्या कर देंगे 100 कर देंगे तो यहाँ पर जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट आइसोटोप्स होता है जो कि निकालने का ये फॉर्मूला होता है कि हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास प्लस रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द अदर आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप्स आ जाएगा। यहां तक हमारा टॉपिक था। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।